हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आज मैं रिव्यू कर रहा हूं एक मच डिमांडेड इलेक्ट्रिक गिटार। यहां पे है मेरे पास यामा का पैसिफिका 012। तो बात करेंगे इस गिटार के स्पेक्स के बारे में, इसके अलावा इसका साउंड चेक करेंगे और ओवरऑल देखेंगे क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अर्ली 2020 में मैंने रिव्यू करा था यामा का RGX 121Z, जो कि काफ़ी वर्सेटाइल गिटार है और प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उससे ज़्यादा पॉपुलर गिटार जो है वो है यामा का पैसिफिका 012। तो ये जो गिटार है एक काफ़ी पॉपुलर चॉइस रहती है और काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस गिटार पे मैं एक वीडियो बनाऊं। तो फाइनली मैंने कुछ टाइम पहले ये गिटार अमेजोन से ख़रीदा और ये जो है काफ़ी ही एक वर्सेटाइल गिटार हो जाता है। अब कई लोग जो है इसको फेंडर स्क्वायर बुलेट से कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक सुपर स्ट्रैट डिज़ाइन इलेक्ट्रिक गिटार है और थोड़ा डिफरेंट हो जाता है फेंडर स्क्वायर बुलेट से। तो इस गिटार को अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करना चाहें तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं आइवनीस के GRX 40 से, जो कि लगभग सेम प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस गिटार की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक महोगनी बॉडी देखने को मिल जाती है, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मेपल नेक देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक बोल्ट ऑन नेक कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको वॉलनट फ्रेटबोर्ड देखने को मिल जाता है। अब यामा की जो वेबसाइट है उस पर वॉलनट /रोजवुड लिखा है फ्रेटबोर्ड के आगे। तो यहाँ पे मेरे वाला जो गिटार है इसमें जो फ्रेटबोर्ड है वो प्रॉबेबली वॉलनट ही है, यहाँ पे रोजवुड फ्रेटबोर्ड देखने को नहीं मिलता। तो ये मे भी डिफर कर सकता है पीस टू पीस। यहाँ हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ट्रेमेलो ब्रिज देखने को मिल जाता है काफी अच्छी क्वालिटी का, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्लोज बैक ट्यूनिंग कीज देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ ट्यूनिंग कीज की जो क्वालिटी है वो ओवरऑल वैसे तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे अगर डाईकास्ट ट्यूनिंग कीज होती तो बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स जो हैं इस प्राइस रेंज में डाईकास्ट ट्यूनिंग कीज देते हैं। तो यहाँ इस गिटार में ट्रस रॉड एडजस्ट जो है ऊपर से होती है हेडस्टॉक की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी कैप लगा रखी है, उसको स्क्रू कर रखा है ट्रस रॉड को कवर करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको HSS पिकअप कॉन्फिगरेशन देखने को मिल जाता है, दैट इज हमबकर सिंगल कॉइल सिंगल कॉइल, और यहाँ पे आपको एक 5-way पिकअप सिलेक्टर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक वॉल्यूम और टोन नॉब आपको देखने को मिल जाती है। इस गिटार में आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, व्हाइट, ब्लू, रेड और ब्लैक। तो पर्सनली मेरे को जो है वाइट सबसे ज़्यादा पसंद था, लेकिन वाइट जो है कहीं भी अवेलेबल नहीं था, तो उसके बाद जो सेकंड मोस्ट प्रेफरेबल कलर ऑप्शन था वो था ब्लू। कैमरा में शायद ये चीज़ ना दिख पाए, लेकिन ये ब्लू कलर जो है काफ़ी अमेजिंग लगता है देखने में, और यहाँ पे आपको जो है एक स्पार्कलिंग फिनिश देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम लुक देता है इस गिटार को। प्राइस की बात करें तो करंटली ये गिटार है अराउंड 14,990 का, और अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये गिटार जैसे मैंने अमेजोन से लिया है तो आप भी अमेजोन से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको हर मेजर ऑनलाइन वेबसाइट पे ये गिटार देखने को मिल जाएगा, और ऑफलाइन भी ऑलमोस्ट काफी सारे स्टोर्स पे ये गिटार अवेलेबल होता है। तो चलिए अब इस गिटार की अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ये गिटार जो है काफी अच्छे से पैक होके आया था, ऑल्दो ये सिर्फ एक सिंगल बॉक्स में आया था, लेकिन ओवरऑल जो बबल रैप था वो काफी थिक था, तो यहाँ पे गिटार में कोई भी इशू नहीं था आउट ऑफ द बॉक्स। इस गिटार के बॉक्स में आपको एक मैनुअल मिलती है, इसके अलावा एक ट्रेमेलो आर्म मिलता है और 2 एलन की मिलती है, एक तो ट्रस रॉड एडजस्ट करने के लिए और दूसरा ब्रिज सेटअप करने के लिए। फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें तो राइट आउट ऑफ द बॉक्स ये गिटार एकदम परफेक्ट कंडीशन में था, ना तो इसमें कोई इन ट्रांजिट डैमेज था, ना ही कोई डेंट्स या स्क्रैचेस थे, ये एकदम ही ब्रांड न्यू कंडीशन में था। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है सेटअप, और स्पेशली एंट्री लेवल गिटार्स में जो है सेटअप एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि एज अ बिगनर जब आप इलेक्ट्रिक गिटार शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट डे ही आप जो है नहीं चाहेंगे कि आपको अपना गिटार सेटअप करना पड़े। तो ये चीज़ मुझे इस गिटार में काफ़ी अच्छी लगी कि राइट आउट ऑफ द बॉक्स सेटअप एकदम परफेक्ट था, बस मुझे गिटार को स्लाइटली ट्यून करना था एंड इट वॉज रेडी टू रॉक। तो यहाँ पे एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे जो ओपिनियन होता है किसी गिटार को लेने के टाइम वो काफ़ी वेरी कर सकता है। अब यामा पैसिफिका मैंने कई स्टोर्स पे ट्राई किया है, यहाँ मेरे घर के पास जो है, इसके अलावा मेरे कुछ स्टूडेंट्स के पास भी ये सिमिलर गिटार होता था। तो जो मेन इशू मुझे वहाँ दिखता था वो था सेटअप। तो जब भी मैंने किसी स्टोर पे ये गिटार ट्राई किया तो एक्शन काफ़ी हाई होता था और उसको एक एडजस्टमेंट की एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत होती थी, जिससे मेरा ये परसेप्शन बन गया था कि ये गिटार राइट आउट ऑफ द बॉक्स शायद एडजस्टमेंट चाहेगा, इसको बेसिकली एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। और ये गिटार परचेज करने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये चीज़ जो है काफ़ी वेरी कर सकती है
कि आप कहाँ से गिटार ले रहे हैं, जो सेलर है चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, उन्होंने गिटार को किस कंडीशन में रखा हुआ है। तो ये जो है ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिससे कि आप एक जो है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं गिटार के लिए। तो क्योंकि इसका सेटअप जो था काफ़ी अच्छा था, एक्शन एकदम परफेक्ट था, तो मुझे ये गिटार जो है बहुत ही अच्छा लगा प्ले करने में। अराउंड 3 वीक्स हो चुकी है और इस गिटार को मैं कंटिन्यूसली प्ले कर रहा हूँ और मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस गिटार का काफ़ी अच्छा रहा है। तो ऑनलाइन अगर आप गिटार लेते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें आपको चेक करनी होती है जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगर आप ऑफलाइन गिटार ले रहे हैं तो आप जो है सेलर को ज़रूर बोलिए कि गिटार को प्रॉपरली सेट करके दे ताकि आपको कोई इशू ना हो गिटार को प्ले करते टाइम। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली नेक प्रोफाइल की बात करूँ तो इसका नेक जो है मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लगा, एक स्लिम प्रोफाइल नेक है। इसको मैं आइबनिस के नेक से तो नहीं कंपेयर करूँगा लेकिन अपने आप में काफ़ी कंफर्टेबल नेक है, और RGX 121Z से कंपेयर करूँ तो ये थोड़ा सा फ्लैट है। जो RGX 121Z का नेक था वो थोड़ा राउंडेड था एज कम्पेयर टू दिस गिटार। इसके अलावा अगर इस गिटार के नेक प्रोफाइल के स्पेक्स देखें आप यामा की वेबसाइट पे तो वो काफ़ी सिमिलर हो जाते हैं इसके प्रीमियम वेरिएंट के साथ जो कि है यामा का पैसिफिका 612। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि एक प्रीमियम यामा पैसिफिका सीरीज़ के गिटार के जो नेक प्रोफाइल है वही सेम आपको एक एंट्री लेवल यामा के इलेक्ट्रिक गिटार में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करना चाहूँगा वो है ये ट्रेमोलो ब्रिज सिस्टम की। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने जो गिटार रिव्यू करा था उसमें जो है ट्रेमोलो ब्रिज का एक इशू था, लेकिन यहाँ पे राइट आउट ऑफ द बॉक्स ये गिटार जो है परफेक्टली सेटअप हो रखा है और यहाँ पे 942 गेज की स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। तो अगर आप एज अ बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं तो 942 गेज की स्ट्रिंग्स काफ़ी सफिशिएंट रहती हैं और आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसी स्ट्रिंग गेज पे सीखना। लेकिन सपोज आप जो है थोड़ी थिकर गेज की स्ट्रिंग्स लगाना चाहते हैं या आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ड्रॉप ट्यूनिंग्स के साथ और हैवी गेज की स्ट्रिंग्स लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है आपको इसका प्रॉपर सेटअप या तो खुद करना होगा या कराना होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बैक कैविटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो ट्रेमोलो क्लॉ है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन यहाँ पे बस आपको 2 स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि ये मेरे गिटार में ही है या बाकी पैसिफिका मॉडल्स में भी होता है, तो अगर आप में से कोई ये गिटार ओन करता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी बैक कैविटी में कितने स्प्रिंग्स लगे हुए हैं ट्रेमोलो में। तो यहाँ पे 2 स्प्रिंग्स है, इसके अलावा ये जो क्लॉ है पूरा ही टाइट हो रखा है, तो यहाँ पे मेरे को कोई ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा कि अगर मैं थिकर गेज की स्ट्रिंग्स लगाऊँ तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर पाऊँगा। तो अगर मेरे को यहाँ थिकर गेज की स्ट्रिंग्स लगानी है तो एक एडिशनल स्प्रिंग लगाना होगा और उसके बाद ही जो है प्रॉपर एडजस्टमेंट हो पाएगी। तो अभी तो फिलहाल जो है ये गिटार मैं 942 गेज स्ट्रिंग्स में ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फ्यूचर में इसमें सपोज थिकर गेज की स्ट्रिंग्स लगाता हूँ तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा अपने इंस्टाग्राम पे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए। इसके अलावा इसका जो ट्रेमोलो ब्रिज है वो यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। एक ये ब्रीफ सी साउंड क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सॉरी फॉर द बैड ऑडियो क्वालिटी, अभी लास्ट में मैं रिकॉर्ड कर रहा था जब मैंने पूरा साउंड डेमो कर लिया था, क्योंकि जब आप ट्रेमोलो यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग ब्रेकेज का डर रहता है, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड प्रेस करना भूल गया और जो है ये सिर्फ कैमरा की ही ऑडियो क्वालिटी थी जो आपने सुनी। लेकिन ओवरऑल ट्रेमोलो यूज़ करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा लगा। अब अगर आप इसको बहुत एक्सट्रीमली यूज़ करेंगे तो आप किसी भी क्वालिटी की स्ट्रिंग्स लगा लीजिए, जो गिटार है वो आउट ऑफ ट्यून जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 41mm का नट देखने को मिल जाता है। अब यूजुअली आपको 42 या 43mm का नट देखने को मिलता है काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक गिटार्स में, लेकिन यहाँ पे ये 41mm का है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इस गिटार को प्ले करते हैं और अगर आप स्पेक्स ना देखें तो आपको ये डिफरेंस नहीं फील होगा। अब मेरे पास काफ़ी सारे गिटार्स हैं 43mm में भी और 42mm विड्थ में भी, लेकिन यहाँ पे 41mm में मेरे को ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा कि मेरे को दिक्कत आ रही हो प्ले करने में नैरो नट की वजह से। तो ओवरऑल यहाँ पे प्लेबिलिटी एक्सपीरियंस जो है अगर आपका प्रॉपर सेटअप हो रखा है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए इस गिटार का साउंड चेक कर लेते हैं।
तो परफेक्ट सेटअप हो तो ये गिटार जो है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अंडर 15,000 जो कि मैंने ट्राई की है। ये एक काफी स्टेबल गिटार है और पकड़ने में काफी प्रीमियम लगता है। साउंड वाइज भी जो है ये काफी वर्सेटाइल है क्योंकि यहाँ पे आपको HSS पिकअप कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, तो आप मेटल, रॉक, ब्लूज, जैज, काफी सारे जॉनर्स जो हैं इस गिटार के थ्रू प्ले कर सकते हैं। तो ये एक वर्सेटैलिटी जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एक इलेक्ट्रिक गिटार खरीद रहे हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक अच्छा गिटार तो ले रहे हैं लेकिन अगर आपको अच्छी साउंड चाहिए तो डेफिनेटली एक अच्छे एम्प में भी जरूर इन्वेस्ट करिए। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।